बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम टू आर डियर स्टूडेंट्स। मैं आपका ट्यूटर रजा लतीफ़ फ्रॉम गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज समुंदरी। कोर्स टाइटल वेक्टर एंड टेंसर एनालिसिस, कोर्स कोड MTH 507, लेक्चर नंबर 21 डिलीवर करने जा रहा हूँ। आज हमारा न्यू टॉपिक होगा, न्यू चैप्टर से हम आगाज़ करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 5 डॉक्टर प्रोफेसर डॉक्टर नवाज़ अली शाह की बुक है, ठीक है। उस चैप्टर का नेम है लाइन इंटेग्रल, सरफेस इंटेग्रल एंड वॉल्यूम इंटेग्रल एंड देयर थ्योरम्स। जो वेल फैमिलियर थ्योरम्स आपके कोर्स आउटलाइंस में शामिल हैं, उनके कुछ नेम्स इस अंदाज में हैं: ग्रीन थ्योरम, स्टॉक्स थ्योरम एंड डाइवर्जेंस थ्योरम। इंपॉर्टेंट चैप्टर है आप सभी स्टूडेंट्स का। कोर्स आउटलाइंस के अकॉर्डिंग जो वेक्टर एंड टेंसर आपका सब्जेक्ट है, ठीक है, तो बहुत ध्यान से और अच्छे अंदाज में आपने इस कंप्लीट चैप्टर को अंडरस्टैंड करना है। आपके चैप्टर का ये बहुत इम्पोर्टेंट और आपके आउटलाइंस के इम्पोर्टेंट टॉपिक इसमें इंक्लूड है। तो चलते हैं डियर स्टूडेंट्स अपनी डेफिनेशन को फुलफिल करवाने की तरफ। फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन है लाइन इंटीग्रल। जो लाइन इंटीग्रल होता है, ये डेफिनेट इंटीग्रल की फॉर्मेशन को ही कहा जाता है। तो डेफिनेट इंटीग्रल को इस अंदाज में हम डिफाइन करने लगे हैं: द डेफिनेट इंटीग्रल इन विच द पाथ ऑफ इंटीग्रेशन इज एन आर्क ऑफ अ कर्व इज कॉल्ड लाइन इंटीग्रल। जो डेफिनेट इंटीग्रल होती है, उसका जो पाथ होगा, जो एक रास्ता है इंटीग्रेशन की फॉर्मेशन को एक्सप्रेस करने का, जो एक अंदाज है, एक वे है टैकल करने का, जो एक अंदाज है, वो एक कर्व होनी चाहिए। ओनली ऑन सिंपल कर्व इज एन आर्क ऑफ अ कर्व इज कॉल्ड लाइन इंटीग्रल, ठीक है ना। यानी कि हमारे पास सिंपल एक कर्व है, उसके लिए हमारे पास जो डेफिनेट इंटीग्रल की एक पाथ जनरेट होती है, वो आपके पास एक लाइन इंटीग्रल को रिप्रेजेंट करती है। यानी सिंगल इंटीग्रल वहाँ पर शो अप हो जाएगी। लाइन इंटीग्रल आरवेज नोन एज सिंगल इंटीग्रल। तो मैथमेटिकली हम इसको कुछ इस अंदाज में रिप्रेजेंट करते हैं। मैथमेटिकली इट इज रिप्रेजेंटेड बाय लाइन इंटीग्रल को ये हम राइट करते होते हैं इस अंदाज में। यानी कि ये लाइन इंटीग्रल की फॉर्म है एट कर्व सी। ये हमारे पास एट कर्व सी होता है, लाइन इंटीग्रल एट कर्व सी ए वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। ये हमारे पास एक वेक्टर ए होगा और डिफरेंशियल पोजीशन वेक्टर आर का हमारे पास एक डेरिवेटिव होगा डी आर वेक्टर, ठीक है ना। तो ए डॉट डी आर वेक्टर जो होगा लाइन इंटीग्रल, यानी कि ए लाइन इंटीग्रल एट सी पे, दिस इज नोन एज लाइन इंटीग्रल फॉर्मेशन। ये जो हमारे पास इस तरह का जो रिजल्ट होगा, दिस इज नोन एज लाइन इंटीग्रल फॉर्मेशन, ठीक है। ये हमारे पास लाइन इंटीग्रल की डेफिनेशन है। तो ये अगर आपको लाइन इंटीग्रल इस तरह की फॉर्म में दी जाए, वेल एंड गुड। अगर ये आपको इस तरह की फॉर्म ना दी गई हो, जस्ट कहा जाए कि लाइन इंटीग्रल फॉर्म फाइंड करें, तो आपको ये ओरली राइट करना होगा कि लाइन इंटीग्रल हम ऐसे राइट करेंगे सिंगल इंटीग्रल फॉर्म में और ए वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर इसमें जनरेट हो रहे होते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह की फॉर्म को आप लाइन इंटीग्रल की फॉर्म में राइट कर रहे होते हैं। तो जितनी भी एप्लीकेशन है, ये आपको ऐसे दिया जाता है, तो इसको आप फॉलो करते हुए अपने रिजल्ट को आपने इवेल्युएट करना होता है ओनली ऑन एप्लीकेशन परफॉर्म करवाने के लिए। तो चलते हैं डियर स्टूडेंट्स अपनी एप्लीकेशन जो क्वेश्चंस हैं उनको परफॉर्म करवाने की तरफ। क्वेश्चन नंबर वन है इफ ए वेक्टर इक्वल है 3xy i - y² (j). ये आपको गिवन है, ये गिवन दे दिया गया है। इवेल्युएट आपने करना है लाइन इंटीग्रल एट सी ए वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। यहाँ पर सी जो कर्व है वो आपको दी गई है, वेयर सी इज द कर्व इन द एक्स वाई प्लेन। इट्स मीन आपको वो प्लेन में दिया हुआ है, 2D प्लेन में एक्स वाई प्लेन आपको स्पेसिफिक बता दिया गया है, और इसमें आपको y का फंक्शन दिया गया है y = 2x² और y = 2x² फंक्शन पे आपको उनके पेयर्स भी दे दिए गए हैं कि वो कहाँ से कहाँ तक मूव कर रहे हैं, फ्रॉम 0.02 1.2। यानी 0.0 पेयर से वो 1.2 पेयर पे मूव कर रहा है। यहाँ पर x की वैल्यू फर्स्ट पेयर में, यानी कि कोमा से पहले वाली वो x की वैल्यू होती है, कोमा के बाद वाली आपके पास y की वैल्यू होती है। तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या है, 0, और y की वैल्यू क्या है, 0, ठीक है ना। इसी तरीके से यहाँ पर x की वैल्यू क्या है, 1, और यहाँ पर y की वैल्यू क्या है, 2। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि x की लिमिट्स चेंज हो रही है फ्रॉम 0 से 1, और यहाँ पे y की लिमिट चेंज हो रही है फ्रॉम 0 से 2, ठीक है ना। तो हम इसको एक्सप्रेस भी करेंगे, ये जो मैंने आपको लिमिट्स की फॉर्मेशन अंडरस्टैंड करवा रहा हूँ, कि x यहाँ पर चेंज हो रहा है 0 से 1 और y चेंज हो रहा है 0 से 2 चेंज हो रहा है, ठीक है ना। तो सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं डियर स्टूडेंट्स। गिवन दैट ये आपको गिवन है ए वेक्टर इक्वल है 3xy i - y² (j), ये आप देख सकते हो, और आर वेक्टर ये हमने अपनी सुपोजिशन बनानी होती है। लेट आर वेक्टर हमारे पास एक्स वाई प्लेन है, इट्स मीन आर वेक्टर होगा xi + yj। तो हमारा जैसा प्लेन होगा वैसे ही हमने एक आर वेक्टर पोजिशन वेक्टर
सपोज कर लिया, उसके बाद हमें आर वेक्टर का डी आर यानी कि डेरिवेटिव चाहिए, तो डी आर वेक्टर इक्वल होगा डी एक्स आई प्लस डी वाई जे, ठीक है ना। तो आर वेक्टर जो पोजिशन वेक्टर है उसका हमने डेरिवेटिव ले लिया, तो ये हमारे पास इस तरह की फॉर्म में जनरेट हो गया। ऑनवर्ड हमने ए वेक्टर का डी आर वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट लेना है, तो ये हमारे पास क्या जनरेट करेगा फिर, लाइन इंटीग्रल फॉर्म। नाउ लाइन इंटीग्रल इज, लाइन इंटीग्रल का क्या रिजल्ट होता है, इंटीग्रल एट सी ए वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर इक्वल होगा इंटीग्रल एट सी, ए वेक्टर की वैल्यू हमारे पास ये फर्स्ट पेयर में है डॉट डी आर वेक्टर की हमारे पास वैल्यू ये सेकंड पेयर में है, तो फर्स्ट पेयर ए वेक्टर की वैल्यू है थ्री एक्स वाई आई माइनस वाई स्क्वायर इनटू जे डॉट डी एक्स आई प्लस डी वाई जे, ये हमारे पास डी आर वेक्टर की वैल्यू। उसके बाद आपने आई डॉट आई होल्ड करवाना है, सोल्व करेंगे आई डॉट आई तो ये आपके पास बन जाएगा थ्री एक्स वाई इंटू डी एक्स, फिर आपने जे डॉट जे को आपस में मल्टीप्लाई करना है डॉट प्रोडक्ट के लिहाज से, तो यह बनेगा माइनस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई, वही मैंने राइट किया हुआ है माइनस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई। फिर आपने यहाँ पर अपनी सब्स्टिट्यूशन को होल्ड करवाना है, ये आप देख सकते हैं सिंस आपके पास जो वाई है ना, वाई का फंक्शन वो आपको दिया गया वाई इज इक्वल टू टू एक्स स्क्वायर, तो वाई इज इक्वल टू टू एक्स स्क्वायर ये हमने ऐसे राइट कर दिया। ये आपका नीट है, ये आपने साइड पे ऐसे ही राइट करना है जैसे मैंने आपको एक्सप्रेस किया हुआ है, तो ये आपका रफ अमल में नहीं है, ये नीट प्रोसेस है, आपने इसको साइड पे ही सॉल्व करना है ताकि इसकी वैल्यूज को हम यहाँ पर होल्ड करवाएंगे इस फॉर्म में। तो सिंस वाई इज इक्वल टू टू एक्स स्क्वायर है, फिर हमने इसका डेरिवेटिव लेना है, तो डी वाई इज इक्वल टू हो जाएगा फोर एक्स डी एक्स, फिर आपने जो पेयर्स दिए हुए हैं ना, पेयर्स आपको दिए गए हैं कब्स के लिए 0.0 से वो 1.2 पे जा रहा है, इसमें एक्स की वैल्यू आप 0 पुट करेंगे तो आपको आंसर वाई का 0 मिलना चाहिए, और अगर आप एक्स की वैल्यू 1 पुट करते हो आपको आंसर वाई का 2 मिलना चाहिए। आप देख सकते हो, ये देखें एट एक्स इज इक्वल टू 0, अगर आप एक्स की वैल्यू 0 यहाँ पर अपने फंक्शन में पुट करते हैं एक्स की जगह 0 पे, यहाँ पर एक्स की वैल्यू 0 पुट करते हैं 2 इंटू 0 का स्केयर, तो ये बन जाएगा 0, इट्स मीन वाई की वैल्यू 0 मिल गई, तो एट एक्स इज इक्वल टू 0 इट्स मीन वाई विल बी 0। अब आप एट एक्स इज इक्वल टू 1, यहाँ पर अगर आप एक्स की वैल्यू 1 पुट करें तो आपको 2 इंटू 1 का स्केयर वाई की वैल्यू 2 मिल जाएगी, तो वही मैंने राइट किया एट एक्स इज इक्वल टू 1 सो वाई विल बी 2। तो देखें आपके पास यहाँ पर एक्स की वैल्यू 0 से 1 चेंज हो रही है और वाई की वैल्यू 0 से 2 चेंज हो रही है, ठीक है ना, दोनों चेंजिंग हो रही हैं, लेकिन आपने डेफिनेट इंटीग्रल में इन दोनों में से कोई एक लिमिट लेनी होती है, वो इन दोनों में से वो हम लिमिट लेंगे जिसमें हमारा फंक्शन नहीं होगा। हमारा फंक्शन किस में है, वाई में, हमारा फंक्शन वाई इक्वल टू 2x स्क्वायर है, इट्स मीन कि आप लिमिट जो है फिर वो ओनली ऑन x की लेंगे, ठीक है, हम y की लिमिट्स को रहने देंगे, ये हमारा क्रॉस हो जाएगा, ये लिमिट्स हम नहीं लेने लगे, ठीक है, क्योंकि हमारा जो फंक्शन है y इक्वल टू 2x स्क्वायर में है, यानी y का फंक्शन हमें दिया गया है, इसका मतलब हम जो डेफिनेट इंटीग्रल लेंगे वो x की लेंगे, यानी कि x की लिमिट हमारे पास लगेगी 0 से 1, ठीक है ना। अगर हमारे पास x का फंक्शन होता तो हम लिमिट्स लेते y की, ठीक है ना, ये बात आप सभी स्टूडेंट माइंड में रखनी है कि लिमिट्स कैसे लेते हैं। जब हमारा फंक्शन y में होगा, अगर हमारा फंक्शन y में है तो हमारी लिमिट्स x की लगती हैं, जब हमारा फंक्शन x का होगा तब हमारी लिमिट्स y की लगती हैं, ठीक है ना। तो ये देख सकते हैं आप सभी स्टूडेंट्स, ये हमारे पास ये रिजल्ट था, इसमें हमने लाइन इंटीग्रल अप्लाई की है डेफिनेट इंटीग्रल 0 से 1, इसमें x की वैल्यू 0 है और x की वैल्यू 1 है, ये देख सकते हैं x की वैल्यू 0 x की वैल्यू 1, ये हमारे पास लिमिट्स हैं जो डेफिनेट इंटीग्रल में मैंने राइट की हुई है। लाइन इंटीग्रल 0 से 1 थ्री एक्स इंटू वाई की वैल्यू क्या है 2x स्क्वायर, ये देख सकते हैं y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर, y की वैल्यू ये वाली 2x स्क्वायर, ठीक है ना, और dx ये वाला एज इट इज माइनस ये भी एज इट इज, y की वैल्यू हमने पुट की 2x स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर, ये y की वैल्यू है, तो y की वैल्यू 2x स्क्वायर इसका होल स्क्वायर, और dy की वैल्यू है ये देख सकते हैं dy की वैल्यू 4x into dx, ये dy की वैल्यू 4x into dx। उसके बाद आपने इसको कैलकुलेट करना है, ये बन जाएगा डायरेक्ट इंटीग्रल 6x³ into dx माइनस 16x⁵ into dx, फिर आपने यहाँ से dx कॉमन लेना है तो ये आएगा 6x⁴ माइनस 16x⁵ into dx, फिर आपने डेफिनेट इंटीग्रल यहाँ पर होल्ड करवाना है x⁴ पर, जब आपने इंटीग्रेट किया तो ये आया x⁴ into 4 माइनस ये 16 एज इट इज, और x⁵ पे आपने लाइन इंटीग्रल जब होल्ड करवाना है तो ये आएगा x⁶/6, यानी कि इंटीग्रेट किया और इसकी लिमिट्स हैं 1 से 0, ये हमने लिमिट की फॉर्म होती है, ठीक है ना। तो इसमें अपर लिमिट क्या है 1, लोअर लिमिट क्या है 0, तो लिमिट्स जब आप करवा रहे होते हैं डेफिनेट इंटीग्रल फॉर्म में तो इसका रिजल्ट होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट,
तो ये जो फर्स्ट कर्ली ब्रैकेट में मैंने फंक्शन ऐसे राइट किया है, ये अपर लिमिट के लिए है माइनस, ये जो सेकंड ब्रैकेट में मैंने राइट किया हुआ है ये लोअर लिमिट के लिए है, ठीक है ना। तो अपर लिमिट जब आपने इस कंप्लीट रिजल्ट में वन पुट करना है, ये जो वन आप इस कंप्लीट रिजल्ट में पुट करेंगे, ये आएगा 3/2 इंटू 1^4 माइनस 8/3 इंटू 1^6 माइनस, ब्रैकेट क्लोज कर देते होते हैं माइनस, और फिर लोअर लिमिट आपके पास जीरो है, इस कंप्लीट रिजल्ट में आपने जीरो पुट करने हैं, तो आपके पास इस तरह की फॉर्म क्रिएट हो जाएगी 3/2 इंटू 0^4 माइनस 8/3 इंटू 0^6। तो फिर आपने इसको सोल्व करना है, तो ये आपके पास आ जाएगा 3/2 माइनस 8/3, फिर इसका आपने एलसीएम लेना है, एलसीएम 6 आएगा, फिर आपने इसको एलसीएम को सोल्व करना है, 3/3 मल्टीप्लाई 3 9 हो जाएगा, माइनस 2 मल्टीप्लाई 16, आपने 9 माइनस 16 किया तो माइनस 7/6 रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। तो ये हमारे पास लाइन इंटीग्रल फॉर्म का रिक्वायर्ड आंसर आ चुका है, लाइन इंटीग्रल जो लाइन इंटीग्रल एट सी ए वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर है माइनस 7/6, हैंस व्हिच इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ लाइन इंटीग्रल फॉर्मेशन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं आर डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ ए वेक्टर इक्वल है 2x प्लस y इंटू i प्लस 3y माइनस x इंटू j वेक्टर j हैट, और इसको इवेलुएट करना है लाइन इंटीग्रल फॉर्म में, लाइन इंटीग्रल एट सी ए वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर, वेयर सी इज द कर्व इन द एक्स वाई प्लेन, यानी कि 2D प्लेन में है, एक्स वाई प्लेन कंसिस्टिंग ऑफ द लाइन सेगमेंट C1 फ्रॉम 0,0 टू 2,0 एंड देन द लाइन सेगमेंट C2 फ्रॉम 2,0 टू 3,2। हमें ना इस क्वेश्चन में एक जो कर्व है सी, उसकी हमें पार्टीशनिंग दे दी गई है, जो सी कर्व की पार्टीशनिंग दी गई है लाइन सेगमेंट C1 में दी गई है और लाइन सेगमेंट C2 में दी गई है, यानी कि C1 लाइन सेगमेंट, C2 लाइन सेगमेंट, जो कि सी की जो सी कर्व की पार्टीशनिंग हुई है, यानी कि सी को हमने ब्रेक किया है C1 में और C2 में, और C1 की जो लाइन सेगमेंट मतलब लिमिट्स जा रही हैं वो पेयर में है 0,0 से 2,0 तक, और जो लाइन सेगमेंट C2 है इसकी जो लिमिट्स जा रही हैं पेयर की फॉर्म में 2,0 से 3,2 की फॉर्म में, ये हमें इस तरह की फॉर्म में दे दिया गया। मतलब आपने पार्टीशनिंग फॉर्म में लाइन सेगमेंट को सोल्व करना है, C1 के लिए सेपरेट सोल्व करेंगे और C2 के लिए हम सेपरेट से सोल्व करेंगे, ठीक है, बहुत ईजी है, प्रीवियस क्वेश्चन से ही कनेक्टेड है, जैसे हमने अभी प्रीवियस क्वेश्चन को सोल्व किया वैसे ही हमने इस क्वेश्चन को भी सोल्व करना है, फास्ट C1 के लिए सेपरेट करेंगे, फास्ट C2 के लिए सेपरेट करेंगे, फिर हम C1 लाइन इंटीग्रल और C2 लाइन इंटीग्रल दोनों को सम अप कर देंगे, और जब आप सम अप कर देंगे तो फिर हमें इस लाइन इंटीग्रल सी का आंसर क्रिएट हो जाएगा, जो हमारा रिक्वायर्ड आंसर सॉल्यूशन होगा। बहुत इजी सॉल्यूशन है आर डियर स्टूडेंट्स। तो सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं आर डियर स्टूडेंट्स, गिवन दैट ए वेक्टर हमें ये दिया गया है 2x प्लस y इंटू y प्लस 3y माइनस x इंटू j, और ये हमने अपनी सुपोजिशन करनी है, जो अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया है उसमें भी हमने सपोज किया था आर पोजिशन वेक्टर, वैसे भी हमारा जो क्वेश्चन है वो एक्स वाई प्लेन में है, सो आर वेक्टर हमारा फिर एक्स आई प्लस वाई जे ही होगा, ठीक है, जैसा प्लेन होगा वैसे ही हमारा पोजिशन वेक्टर की जो इसकी कंडीशन है नौइयत है उसके अकॉर्डिंग ही फुलफिल हो जाती है। तो आर वेक्टर इक्वल होता है एक्स आई प्लस वाई जे, ठीक है, फिर आपने इसको डेरिवेटिव में लेके जाना, क्योंकि हमें तो ए वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर चाहिए ना, हमें तो आर वेक्टर इतना नहीं चाहिए, हमें तो उसका डेरिवेटिव चाहिए, तो इसलिए हमने आर वेक्टर का ऑनवर्ड स्टेप में उसका डेरिवेटिव ले लिया है, डी आर वेक्टर इक्वल हो जाएगा डी एक्स आई प्लस डी वाई जे, यानी कि इसका हमने सोल्व करके डेरिवेटिव बना लिया, तो इस तरह की फॉर्मेशन आ गई। अब हमें ए वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर बनाना है, किसके लिए बनाना है वो हम जानते हैं, लाइन इंटीग्रल की हम बात कर रहे हैं, तो लाइन इंटीग्रल में हमने मूव करना है, तो ए वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर हमें वहां पर होल्ड करवाना पड़ेगा। तो नाउ लाइन इंटीग्रल इज, तो लाइन इंटीग्रल एट सी होगा ए वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर, तो लाइन इंटीग्रल एट सी है, ये हमारे पास जो फर्स्ट ब्रैकेट जो कैपिटल स्केयर ब्रैकेट में राइट किया हुआ ये ए वेक्टर की वैल्यू है, यहाँ पर आप ना आई के ऊपर हैड डाल दीजिएगा सभी स्टूडेंट्स, जैसे ये जे के ऊपर हैड डाला हुआ है, ठीक है ना, तो यहाँ पर मिस प्रिंटिंग होगी, यहाँ पे आपने राइट कर लेना सभी स्टूडेंट्स ने। तो ये हमारे पास जो कैपिटल ए स्केयर ब्रैकेट में मैंने राइट किया है, ये हमारे पास ए वेक्टर की वैल्यू है डॉट, ये हमारे पास स्केयर ब्रैकेट में डी आर वेक्टर की वैल्यू है, ठीक है ना। तो फिर उसके बाद आपने आई डॉट आई को सोल्व करना है, तो ये आंसर बन जाता है 2x प्लस वाई इंटू डी एक्स प्लस जे डॉट जे को सोल्व करना है, फिर आपने तो ये बन जाता है 3y माइनस एक्स इंटू डी वाई, फिर आपने ना ये जो लाइन इंटीग्रल एट सी है इसको आपने पार्टीशनिंग करनी है, लाइन इंटीग्रल एट सी वन प्लस लाइन इंटीग्रल एट सी टू, और ये हमारे पास जो कंप्लीट रिजल्ट है ना ये वाला इतना पार्ट ये हमने एज इट इज ही राइट कर दिया हुआ है, देख सकते हैं आप सभी स्टूडेंट, ये मैंने एज इट इज ही राइट कर दिया हुआ है, ये वाला रिजल्ट ये सेम एज इट इज है, जस्ट ओनली ऑन इस सी की जगह हमने उसकी पार्टीशनिंग लाइन इंटीग्रल एट सी वन प्लस लाइन इंटीग्रल एट सी टू में राइट कर दिया हुआ है,
उसके बाद आपके पास ये जो लाइन इंटीग्रल एट सी वन का रिजल्ट है इस तरह का, उसको हमने एक नेम असाइन कर देना है, इसको हम कह देंगे आई वन प्लस, और ये जो हमारे पास लाइन इंटीग्रल एट सी टू के लिए रिजल्ट है इसको हम आई टू का नेम असाइन कर देंगे। ठीक है, जब हम आई वन सोल्व कर लेंगे इट्स मीन ये हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा, फिर अगर हम आई टू की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे तो हमें इसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है ना, तो आई वन प्लस आई टू को हमने एक नेम असाइन करने लगे हैं इक्वेशन वन नेम, ये हमने इक्वेशन वन नेम असाइन कर दिया। अब हम यहाँ से आई वन कैलकुलेट करेंगे और आई टू कैलकुलेट करेंगे। ऑन लाइन सेगमेंट सी वन, हम लाइन सेगमेंट सी वन पे मूव करने लगे हैं, इसकी जो पेयर ऑर्डर्ड पेयर में फॉर्मेशन है फ्रॉम 0,0 टू 2,0, यानी कि हमें 0,0 से 2,0 तक मूव करना है फॉर सी वन के लिए। ठीक है ना, लाइन सेगमेंट सी वन की बात हो रही है। इट्स मीन आप देख सकते हैं सभी स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक्स की वैल्यू जीरो है तो वाई की वैल्यू जीरो आ रही है, यहाँ पर एक्स की वैल्यू टू है तो वाई की वैल्यू जीरो आ रही है। अगर आप एक और गौर करें बात कि यहाँ पर y की जो वैल्यू है वो चेंज नहीं हो रही, देखें आपकी वैल्यू यहाँ पर फर्स्ट पेयर में भी जीरो है, यहाँ पर y की वैल्यू सेकंड पेयर में भी जीरो है, यानी कि y की वैल्यू यहाँ पर क्या आ रही है जीरो, यहाँ पर y की वैल्यू भी क्या आ रही है जीरो। इट्स मीन y विल बी नो चेंज्ड, ओनली ऑन क्या चेंज हो रहा है, ओनली ऑन x चेंज, x विल बी चेंज्ड फ्रॉम जीरो टू टू, x की वैल्यू चेंज हो रही है जीरो से टू। जब आप x की वैल्यू जीरो पुट करते हैं y का आंसर जीरो आता है, जब आप x की वैल्यू टू पुट करते हैं तो आपको y का आंसर अगेन जीरो मिलता है। इट्स मीन आपका फंक्शन कैसा होगा, y इज इक्वल टू जीरो होगा, क्योंकि y की वैल्यू चेंज नहीं ना हो रही, तो y की वैल्यू जीरो हो रही है। यहां पर हम आसानी से अपना y का फंक्शन बना सकते हैं, तो आपने हमेशा y का फंक्शन ही बनाया करना है ताकि आपको आसानी रहे कि आपने जो इंटीग्रेशन की लिमिट्स पुट करनी है वो x की लिमिट पुट करनी है और फंक्शन आपने y का बनाना है। ठीक है, इट्स मीन जो आपका फंक्शन यहां से आपका क्या बन रहा है, यहाँ से आपको वो y की वैल्यू जीरो मिल रही है, यहाँ से भी आपको y की वैल्यू जीरो मिल रही है, इट्स मीन के आपका फंक्शन जीरो होगा, तो y इक्वल टू जीरो हो गया। अब इस y का डेरिवेटिव भी ले लें तो वो भी जीरो होगा, अगर y जीरो है इट्स मीन उसका डेरिवेटिव भी जीरो होगा, dy वाई इज ऑल्सो इक्वल टू जीरो, एट s इज इक्वल टू जीरो। अगर आप इस y इज इक्वल टू जीरो पे आप x की वैल्यू जीरो पुट करें तो आपको आंसर y का क्या मिलेगा, अगेन जीरो ही मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर तो x है ही नहीं है। तो इस कंप्लीट रिजल्ट से आप y की वैल्यू जीरो से जब आप एक्स की वैल्यू जीरो पुट करेंगे तो वहां से आपको अगेन जीरो ही मिलना है वाई का आंसर, यानी कि एक्स वैल्यू जीरो आपने इस कंप्लीट रिजल्ट में पुट की तो आपको आंसर वाई का जीरो मिल गया, क्योंकि यहाँ पे एक्स नहीं है। ठीक है ना, फिर आपने एट एक्स इज इक्वल टू, ये देख सकते हैं ना एक्स की वैल्यू यहाँ पे जीरो है, एक्स की वैल्यू टू है, तो इस वाई इज इक्वल टू जीरो में आपने एक्स की वैल्यू टू जब पुट करनी है तो आपको अगेन वाई का आंसर जीरो मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे एक्स की वैल्यू है ही नहीं है ना, क्योंकि वाई जीरो है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास जो y की जो है ना लिमिट्स वो जीरो से जीरो तक जा रही है, इट्स मीन y की लिमिट नो चेंज। वैसे भी हमें y की लिमिट्स चाहिए नहीं क्योंकि हमारा फंक्शन किस में है, हमारा फंक्शन y में है, तो हमें लिमिट्स किसकी चाहिए होंगी, x की, लेकिन x देख सकते हैं चेंज हो रहा है, x चेंज हो रहा है फ्रॉम जीरो से टू, तो x की लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक होगी, जीरो से टू तक होगी, x वेरी फ्रॉम जीरो एज टू, यानी कि एक्स की जो रेंज होगी, एक्स की जो रेंज होगी वो जीरो से मूव करेगी टू तक मूव करेगी। सो आई वन इज इक्वल होगा लाइन इंटीग्रल जीरो से टू, और फिर हम पुटिंग करने लगे हैं जो हमारा रिजल्ट है टू एक्स प्लस वाई, यहाँ पर वाई की वैल्यू जीरो है, इंटू डी एक्स प्लस थ्री इंटू वाई की वैल्यू जीरो है, माइनस एक्स इंटू डी वाई की वैल्यू अगेन जीरो है। तो फिर आपने इसको कैलकुलेट करना है, 2x प्लस जीरो 2x इंटू डी एक्स ये एज इट इज, प्लस इस जीरो को जब आपने इस कंप्लीट रिजल्ट से मल्टीप्लाई करना है तो ये जीरो हो जाएगा, आप इसको इग्नोर कर देंगे, तो ये आ जाएगा लाइन इंटीग्रल जीरो से 2 2x इंटू डी एक्स। फिर आपने x की डेफिनेट इंटीग्रल होल्ड करवाना है, x की इंटीग्रेशन आप होल्ड करेंगे तो ये आएगा एक्स स्क्वायर ओवर 2, इस 2 को 2 से कैंसिल किया तो एक्स स्क्वायर की लिमिट आ जाएगी 2 से 0, यानी एक्स स्क्वायर की लिमिट है ये 2 और 0, यानी अपर लिमिट 2 है लोअर लिमिट 0 है, तो आपने होल्ड करवाया अपर लिमिट 2 का स्केयर माइनस लोअर लिमिट 0 का स्केयर, कैलकुलेट किया 4 माइनस 0 इंटू 4 आ जाएगा, ये हमारे ये हमने I1 कैलकुलेट कर लिया है, I1 इज इक्वल टू 4, इसका रिक्वायर्ड आंसर बन गया। अब ऐसे ही हमने लाइन सेगमेंट सी टू पर मूव करना है, ऑन लाइन सेगमेंट सी टू फ्रॉम 2,0 से 3,2, यानी 2,0 टू 3,2 तक हमने मूव करना है। इट्स मीन कि आपको ऐसा फंक्शन y का बनाना होगा जिसमें आप x की वैल्यू 2 पुट करें तो आपका आंसर y का 0 आए, और अगर आप उसमें x की वैल्यू 3 पुट करें तो आपको आंसर y का 2 मिलना चाहिए। तो हम वो फंक्शन कुछ इस अंदाज में बनाने रह गए हैं, इट्स मीन y इज इक्वल टू 2x माइनस 4, ये आपने खुद बनाना है, ये मैंने ऐसा फंक्शन बनाया हुआ है जिसमें आप x की वैल्यू अगर 2 पुट करते हैं, यहाँ पर आप x की वैल्यू 2 रख के देखें
तो 2 into 2 4, 4 minus 4 0, तो आप देख सकते हैं वाई का आंसर 0 आ रहा है। उसके बाद आप नेक्स्ट वैल्यू 3 पुट करनी है, देखें यहाँ पर आप 3 रख के देखें तो 2 into 3 6, 6 minus 4 कितना होता है 2, तो आप देख सकते हैं वाई की वैल्यू क्या आ रही है 2। तो ये ऐसा मैंने फंक्शन क्रिएट किया, आप सभी स्टूडेंट ऐसे ही फंक्शन क्रिएट करेंगे, ठीक है ना। तो y का जब आप डेरिवेटिव अप्लाई करना है तो हमें डेरिवेटिव भी चाहिए ना, तो y का डेरिवेटिव लें तो dy इज इक्वल टू 2x का डेरिवेटिव 2 into dx आ जाएगा, 4 तो कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट डेरिवेटिव 0 होता है, इट्स मीन 2x - 4 का डेरिवेटिव 2dx आ जाएगा। फिर आपने ये देखा एट x इज इक्वल टू इस कम्प्लीट ये y इज इक्वल 2x - 4 में आपने x की वैल्यू 2 पुट करनी है, तो देन आपको y का आंसर 0 आ जाता है। फिर आपने x की वैल्यू 3 यहाँ पर y के फंक्शन में पुट करनी है, x की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो आपको आंसर y का 2 मिल जाता है, ठीक है ना। तो जो मैंने अभी आपको पुटिंग करके बताया, x की वैल्यू यहाँ पर 2 रखें तो 0 आ जाता है, x की वैल्यू यहाँ पर 3 रखें तो आपको आंसर y का 2 मिल जाता है, वही मैंने यहाँ पर राइट किया हुआ है ताकि आपको आसानी रहे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपको। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा फंक्शन किस में है, वाई में फंक्शन है, तो फिर लिमिट्स किसकी लगेंगी सभी स्टूडेंट्स। ये मैंने आपको भी बताया कि आपके पास जब फंक्शन वाई का होगा तो आपके पास जो लिमिट्स होंगी वो किसकी होंगी, ओनली ऑन एक्स की लिमिट होंगी। फंक्शन वाई का है तो लिमिट्स एक्स की होंगी, अगर फंक्शन एक्स का है तो लिमिट्स वाई की होंगी, ये आपने बात माइंड में रखनी है। यहाँ पर हमारा फंक्शन किस में है, ओनली ऑन वाई में, यहाँ पर हमारा फंक्शन वाई में है, तो इसका अंडरस्टूड सा मतलब है, अंडरस्टूड सी बात है कि अगर हमारा फंक्शन वाई में है तो लिमिट्स ओनली ऑन एक्स की होंगी, यानी कि एक्स की लिमिट्स 2 से 3 तक होंगी, ठीक है ना। तो ये हमारे पास लिमिट्स हो जाएंगी, एक्स की वैल्यू एक्स वेरी करता है फ्रॉम 2 से 3। तो ये मैंने राइट किया हुआ लाइन इंटीग्रल एट एक्स की वैल्यू 2 है और एट एक्स इज इक्वल टू 3, यानी लाइन इंटीग्रल 2 से 3 और ब्रैकेट में 2x + y की वैल्यू है 2x - 4 into dx + 3 into y की वैल्यू है 2x - 4 - x और यहाँ पर dy की वैल्यू 2dx। फिर आपने इसको कैलकुलेट करना है तो 2x + 2x ये 4x हो जाएगा, -4 as it is into dx + 3 को आपने मल्टीप्लाई करना है, 3 to 6x - ये 12 हो जाएगा, -x as it is 2dx, ठीक है। फिर आपने 2 को अंदर मल्टीप्लाई करना है और dx आप कॉमन भी ले लें, तो ये आपके पास स्टेप बन जाएगा 4x - 4 + 12x - ये 2 को मल्टीप्लाई करना है ना, तो -2x - 24 यहाँ से ये रिजल्ट बन जाएगा। फिर आपने इसको सोल्व करना है, सिंप्लीफाई करना है, प्लस माइनस होगा यहाँ से, तो ये आएगा 14x - 28 into dx। फिर आपने 14x - 28 की इंटीग्रेशन करनी है तो ये आएगा 14 into x² - 28x और ये इसकी लिमिट्स आपने होल्ड करवा दी, लिमिट्स इसकी हैं 2 से 3, अपर लिमिट्स में 3 है, लोअर लिमिट्स में 2 है। तो ये थोड़ा सा कैलकुलेट कर लें, 2 को आपने 14 पे कैंसिल किया, 7x² - 28x एज इट इज़ ये आ जाएगा। फिर आपने अपर लिमिट 3 पुट करनी है, जब इसमें आप अपर लिमिट पुट करेंगे ये आएगा 7 into 3² - 28 into 3 आएगा, माइनस ये ब्रैकेट क्लोज कर देते होते हैं, ठीक है ना, अपर लिमिट अप्लाई करने के बाद। फिर आपने लोअर लिमिट 2 पुट करनी है इस कंप्लीट रिजल्ट में, तो लोअर लिमिट आपके पास क्या है 2 है, ये वाली लोअर लिमिट, इसमें आपने लोअर लिमिट पुट करनी है तो 7 into 2² - 28 into 2 ये आपके पास फर्स्ट ब्रैकेट में अपर लिमिट है, माइनस सेकेंड ब्रैकेट में ये आपके पास लोअर लिमिट है। कैलकुलेट करने के लिए ये आपने सिम्प्लीफिकेशन करनी है तो रिक्वायर्ड आंसर आपका 7 आ जाएगा। ये हमारे पास I2 का आंसर आ चुका है। अब हमने I1 भी फाइंड कर लिया है, I1 का आंसर 4 आया था और I2 भी फाइंड कर लिया है, I2 का आंसर 7 आया। अब हम मूव करने लगे हैं, देयरफॉर क्वेश्चन नंबर 1 इंप्लाइज दैट, जहाँ पे हमने I1 + I2 लिखा हुआ था वहाँ पर हमने I की वैल्यू 4 रख दी है प्लस I2 की वैल्यू हमने 7 रख दी है, तो 4 + 7 हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर 11 आ गया। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है, लाइन इंटीग्रल एट सी a·dr इज इक्वल टू 11, हैंस विच इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन फॉर लाइन इंटीग्रल फॉर्म। तो क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं डियर स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ ए वेक्टर इक्वल है x - 3yi + y - 2x j, इवेलुएट करना है अभी आपने ए क्लोज्ड इंटीग्रल एट सी। ये जो हमारे पास इस तरह का साइन होता है ये हमारे पास क्लोज्ड इंटीग्रल जो बाउंडेड फॉर्म में होता है, ठीक है ना। तो ये भी लाइन इंटीग्रल की ही फॉर्म में सोल्व होता है, जैसे आपने लाइन इंटीग्रल को दो एप्लीकेशन जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 को सोल्व किया, ये भी बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है, जस्ट इसकी जो शेप है थोड़ी सी चेंज कर दिया। ये हमारे पास क्लोज्ड लूप है, जो हमारे पास सिंगल क्लोज के अलावा होते हैं ना जिसमें ये क्लोज नहीं आता, वो हमारे पास लाइन इंटीग्रल क्लोज कर्व भी हो सकता है और क्लोज कर्व नहीं भी हो सकता, ठीक है ना। लेकिन ये हमें फिक्स कर दी गई ये बात कि हमारे पास क्लोज्ड कर्व पे होल्ड कर रहा है, जिसमें हमारा जो लूप होगा वो एक पाथ ऐसा बनाएगा जिसमें हमारा रास्ता फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट पे कनेक्टेड हो जाता है। ये कनेक्टेड लूप के लिए जनरेट करते हैं जो क्लोज लूप होता है। तो a·dr, इसमें हम
जो इसकी फॉर्मेशन होती है ना, वो सिंप्लीफिकेशन जो हमने लाइन इंटीग्रल अभी सॉल्व की है वैसे ही इसकी भी सिंप्लीफिकेशन होती हैं, ठीक है ना। क्लोज्ड इंटीग्रल हो या सिंपल लाइन इंटीग्रल हो, ये दोनों सेम रिजल्ट पे ही वेरी कर रहे होते हैं, इनका प्रोसेस सेम होता है। वी आर सी सी मीन कर्व जो है हमारे पास, जो सी हमारे पास कर्व होगी वो किस अंदाज में है, वो हमें एक शेप दे दी गई है। वो कैसी शेप होती है, वो सी हमें एक कर्व दे दी गई है, वो है एलिप्स, और एलिप्स की हमें इक्वेशन भी दे दी हुई है। अगर एलिप्स की इक्वेशन ना हो तो आपको ये ऑरली राइट करनी होती है। तो यहाँ पर वैसे आपको क्वेश्चन में तो दे दी गई है एक्स स्क्वायर ओवर 9 + y² ओवर 4 इज इक्वल टू 1। तो ये हमारे पास, अगर इसको हम एक जनरलाइजेशन में देखें तो ये ऐसे होता है एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो इसको आप ऐसे भी कह सकते हो एक्स स्क्वायर ओवर 3 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक है ना। इन दी एक्स वाई प्लेन ट्रेवर्स्ड इन दी पॉजिटिव काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन, जो इसकी डायरेक्शन है वो काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन की फॉर्म में है, ठीक है। यानी कि काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन इट्स मीन कि हमारे पास पॉजिटिव सेंस में हमने राइट करना है। काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन इट्स मीन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो एंटी क्लॉकवाइज हमारे पास पॉजिटिव डायरेक्शन होती है। तो सॉल्यूशन की तरह चलते हैं आर डी स्टूडेंट्स। सॉल्यूशन है गिवन दैट ए वेक्टर इक्वल है एक्स माइनस 3 y i प्लस वाई माइनस 2 x इंटू j वेक्टर, ये हमें गिवन दिया गया है। अब हम इसे ना पैरामेट्रिक फॉर्म में मूव करवाने लगे हैं। द पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ एलिप्स, ये हमें गिवन है। पैरामेट्रिक इक्वेशन की जो एलिप्स फॉर्म है एक्स स्क्वायर ओवर 9 को हमने रिप्लेस कर दिया 3 के स्क्वायर में प्लस वाई स्क्वायर ओवर 4 को हमने रिप्लेस कर दिया 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यहाँ पर ए की वैल्यू है 3, यहाँ पर बी की वैल्यू है 2, ठीक है। ये हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं, दिस इम्प्लाइज दैट एक्स इज इक्वल टू ए कॉस थीटा। ए की वैल्यू 3, इट्स मीन एक्स इज इक्वल टू 3 cos थीटा, और y की वैल्यू हम राइट करने लगे हैं y इज इक्वल टू 2 sin थीटा, इट्स मीन y इज इक्वल टू b sin थीटा। b की वैल्यू 2 है तो y इज इक्वल टू 2 sin थीटा, और थीटा की जो रेंज है ना, और थीटा की रेंज हमारे पास एक यूनिट सर्कल होता है, यानी कि 0 से 2 पाई। थीटा बिलोंग्स टू 0, 2 पाई क्लोज इंटरवल, यानी थीटा हमारे पास यहाँ पे बाउंडेड इंटरवल फॉर्म में है, 0 और 2 पाई के बिटवीन लाई कर रहे हैं, ठीक है ना। तो थीटा की ये रेंज हो गई। और उसके बाद हम एक्स का डेरिवेटिव लेंगे तो डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा कॉस थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा, और 3 कॉन्स्टेंट है, इट्स मीन -3 sin थीटा डी थीटा हो जाएगा। वाई का डेरिवेटिव डी वाई इज इक्वल टू साइन थीटा का डेरिवेटिव कॉस थीटा होता है, तो 2 कॉन्स्टेंट है, 2 cos थीटा इंटू डी थीटा आ गया, ठीक है ना। उसके बाद हमने पोजिशन वेक्टर लेट करना होता है सब्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग। हमारे पास एक्स वाई प्लेन है, इट्स मीन आर वेक्टर इक्वल हो जाएगा एक्स आई प्लस वाई जे। तो आर वेक्टर हमारे पास होगा डी आर वेक्टर इज इक्वल डी एक्स आई प्लस डी वाई जे, ठीक है ना। फिर हमने मूव करना है ए वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर पे, जो हमारे पास क्लोज्ड इंटीग्रल पाथ में है। तो क्लोज्ड इंटीग्रल एट सी ए वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर इक्वल होगा क्लोज्ड इंटीग्रल एट सी, ये हमारे पास क्लोज्ड इंटीग्रल है। तो ये हमारे पास जो फर्स्ट स्क्वायर ब्रैकेट में फंक्शन राइट किया हुआ है, ये हमारे पास ए वेक्टर है डॉट, ये हमारे पास डी आर वेक्टर है। ए वेक्टर हमारे पास एक्स माइनस 3 y i, यहाँ पर आप हैट डाल दीजिए सभी स्टूडेंट्स, प्लस वाई माइनस 2 x इंटू j हैट है डॉट, ये हमारे पास डी आर वेक्टर डी एक्स प्लस डी वाई जे हैट है। फिर हमने i डॉट i अप्लाई करना है, तो ये आएगा x माइनस 3 y इंटू डी एक्स प्लस j डॉट j सॉल्व करना है, ये आएगा y माइनस 2 x इंटू डी वाई। फिर हमने इसमें सब्स्टिट्यूशन होल्ड करवानी है, x को हमने लेट किया हुआ था 3 cos थीटा, ये हमने राइट कर दिया 3 cos थीटा, y की वैल्यू हमने राइट की हुई थी 2 sin थीटा, ये हमने राइट कर दी 2 sin थीटा, लेकिन यहाँ पे 3 था तो 3 को आपने 2 sin थीटा से मल्टीप्लाई किया, तो ये आ गया 6 sin थीटा, और dx की वैल्यू है -3 sin थीटा d थीटा, और फिर ये वाला प्लस एज इट इज़। वाई की वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट की हुई है, लेट की हुई है, वाई की वैल्यू है 2 sin थीटा -2 एज इट इज़, और एक्स की वैल्यू हमारे पास थी 3 cos थीटा, 3 cos थीटा को आपने 2 से, ये वाले 2 से मल्टीप्लाई करना है, ये आ जाएगा 6 cos of थीटा। और उसके बाद dy की वैल्यू है 2 cos थीटा इंटू डी वाई 2 cos थीटा इंटू डी थीटा, ठीक है ना। फिर आपने क्या करना है, ये जो हमारे पास -3 sin थीटा है इसको आपने इस 3 cos थीटा से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि ये हमारे पास फर्स्ट टर्म है, ये हमारे पास सेकंड टर्म है। -3 sin थीटा ये वाले को आपने पहले इस टर्म से मल्टीप्लाई करना है, और उसके बाद इस टर्म को आपने इस टर्म से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि इस ब्रैकेट को आप इस ब्रैकेट की बोथ टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे। तो -3 sin थीटा को आप जब 3 cos थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा -9 cos थीटा sin थीटा। फिर -6 sin थीटा को आपने -3 sin थीटा से मल्टीप्लाई करना है, तो ये आएगा +18 sin थीटा, ठीक है। और डी थीटा ब्रैकेट के आउटसाइड ही रहने दें कॉमन, प्लस फिर आपने 2 sin थीटा को आपने ऐसे 2 cos थीटा से मल्टीप्लाई करना है, सेम जैसे आपने इसको मल्टीप्लाई किया, ये आएगा 4 sin थीटा cos थीटा।
फिर माइनस सिक्स कॉस थीटा को आपने टू कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करना है, ये आएगा माइनस ट्वेल्व कॉस स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। फिर आपने ये इस कंप्लीट रिजल्ट में से डी थीटा आ रहा है आउटसाइड कॉमन, तो यहाँ से भी आपका कंप्लीट रिजल्ट में डी थीटा कॉमन बाहर है, तो आप कंप्लीट में से डी थीटा आउटसाइड निकाल लें बाहर, तो ये आ जाएगा माइनस नाइन कॉस थीटा साइन थीटा प्लस एटीन साइन के थीटा प्लस फोर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस ट्वेल्व कॉस के थीटा इंटू डी थीटा। ये नहीं, ये हमने कॉमन पार्ट में डी थीटा को सेपरेट कर दिया है डी थीटा, ठीक है ना। ऑनवर्ड हमने इसको कैलकुलेट करना है, माइनस नाइन कॉस थीटा साइन थीटा और प्लस फोर साइन थीटा कॉस थीटा सोल्व करेंगे तो ये आएगा माइनस फाइव कॉस थीटा साइन थीटा प्लस एटीन साइंस के थीटा माइनस ट्वेल्व कॉस के थीटा। ये हमने एज इट इज राइट कर दिया, नो चेंज। फिर हमने ना यहाँ पर एक डबल एंगल आइडेंटिटी को होल्ड करवाना है, यहाँ पर टू की कमी है, यहाँ पर टू की वीकनेस को कंप्लीट करने के लिए टू से मल्टीप्लाई और टू से डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारे पास डबल एंगल आइडेंटिटी की फॉर्मेशन बन जाएगी, माइनस फाइव बाई टू इंटू टू साइन थीटा कॉस थीटा प्लस यहाँ पर हम हाफ एंगल आइडेंटिटी को ओपन करने लगे हैं, इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर की क्लास चैप्टर नंबर टेन से हम इसको होल्ड करने लगे हैं। साइंस के थीटा का रिजल्ट होता है वन माइनस कोस टू थीटा ओवर टू, ये साइंस के थीटा का फॉर्मूला है। माइनस ट्वेल्व एज इट इज कोस के थीटा, इसका भी हमने फर्स्ट ईयर की क्लास से ही वो रिजल्ट होल्ड करवाना है, कोस के थीटा का रिजल्ट होता है वन प्लस कोस टू थीटा ओवर टू। उसके बाद ऑनवर्ड स्टेप में ये टू साइन थीटा कोस थीटा हमारे पास डबल एंगल आइडेंटिटी, ये हमारे पास बन जाएगी साइन टू थीटा, कि हमने साइन टू थीटा डबल एंगल आइडेंटिटी के फॉर्मूले को क्लोज कर दिया है। टू साइन थीटा कोस थीटा आपके पास साइन टू थीटा के इक्वल होता है, ये माइनस फाइव बाई टू एज इट इज गया। उसके बाद ये टू को एटीन पे कैंसिल करना है, ये प्लस नाइन आ जाएगा और ब्रैकेट वाला पार्ट एज इट इज है वन माइनस कोस टू थीटा, ये माइनस ट्वेल्व को आपने टू पे डिवाइड करना है, ये माइनस सिक्स आ जाएगा, ब्रैकेट वन प्लस कोस टू थीटा ये एज इट इज आ जाएगा, और ब्रैकेट के आउटसाइड है डी थीटा। उसके बाद आपने इस कंप्लीट रिजल्ट पे इंटीग्रेट अप्लाई करनी है, जब आप इंटीग्रेट अप्लाई करेंगे तो ये आपके पास बन जाएगा फाइव बाई टू इंटू साइन टू थीटा की इंटीग्रेशन हो जाएगी कोस टू थीटा ओवर टू प्लस नाइन वन माइनस कोस टू थीटा की इंटीग्रेशन होगी थीटा माइनस साइन टू थीटा ओवर टू माइनस सिक्स एज इट इज वन प्लस कोस टू थीटा की इंटीग्रेशन होगी थीटा प्लस साइन टू थीटा डिवाइडेड बाई टू। ये हमने कम्प्लीट इसकी इंटीग्रेशन होल्ड करवा दी है, ये जो कम्प्लीट रिजल्ट था ठीक है, इसकी हमने इंटीग्रेशन होल्ड करवा दी, और इसकी जो लिमिट्स हैं कहाँ से कहाँ तक है, जीरो से टू पाई, वो हमने ऐसी लिमिट्स होल्ड करवा दी है, ये हमने लिमिट्स ऐसे राइट की, और इसकी जो लिमिट्स हैं कहाँ से कहाँ तक है, जीरो से टू पाई तक। ये हमारे पास अपर लिमिट टू पाई है, लोअर लिमिट इसकी जीरो है, तो ये हम जो कर्ली ब्रैकेट में ऐसे ब्रैकेट में राइट करने लगे हैं, ये हमने पहले सोल्व किया हुआ है अपर लिमिट के लिए माइनस, ये हमने सोल्व किया हुआ है लोअर लिमिट के लिए। तो इस कंप्लीट पार्ट में जहाँ जहाँ थीटा होगा वहाँ वहाँ आपने थीटा की वैल्यू अपर लिमिट टू पाई पुट कर देनी है, तो अपर लिमिट आप टू पाई पुट करेंगे, ये आएगा फाइव बाई फोर इंटू कोस फोर पाई प्लस नाइन इंटू टू पाई माइनस साइन फोर पाई ओवर टू माइनस सिक्स इंटू टू पाई प्लस साइन फोर पाई ओवर टू, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, माइनस लोअर लिमिट आपके पास जीरो है। इसमें इस कंप्लीट रिजल्ट में जहाँ जहाँ थीटा होगा वहाँ वहाँ आपने थीटा की वैल्यू जीरो पुट कर देनी है, तो आपके पास ये रिक्वायर्ड रिजल्ट बन जाएगा फाइव बाई फोर इंटू कोस जीरो प्लस नाइन इंटू जीरो माइनस साइन जीरो ओवर टू माइनस सिक्स इंटू जीरो प्लस साइन जीरो ओवर टू, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, तो अपर लिमिट ये होगी माइनस लोअर लिमिट ये हो जाएगी। फिर आपने इसको कैलकुलेट करना है, कोस फोर पाई की वैल्यू वन होती है, साइन फोर पाई की वैल्यू जीरो होती है, यहाँ पर साइन फोर पाई की वैल्यू ये भी जीरो है, यहाँ पर कोस जीरो की वैल्यू प्लस वन है, और साइन जीरो की वैल्यू जीरो होती है, यहाँ पे साइन जीरो की वैल्यू जीरो, ठीक है। ये जो मैंने आपको वैल्यूज बोली हैं इनको आप पुट करने के बाद ये इस तरह का रिजल्ट बना लेंगे, तो ये इस तरह का रिजल्ट आपके पास बन जाएगा। ये जो मैं आपको बोलने लगा हूँ राइट करने लगा हूँ, ये हमारे पास इक्वल होगा, ये हमारे पास जो अपर लिमिट का ये रिजल्ट हो जाएगा, यानी कि फाइव बाई फोर इंटू वन प्लस नाइन इंटू टू पाई माइनस जीरो माइनस सिक्स इंटू टू पाई प्लस जीरो, ठीक है ना। सब्सटीट्यूट करने के बाद ये इस तरह का रिजल्ट बन गया अपर लिमिट के लिए माइनस लोअर लिमिट के लिए हमारे पास बन जाएगा फाइव बाई फोर इंटू वन प्लस जीरो माइनस जीरो। उसके बाद आपने इसको कैलकुलेट किया तो ये हमारे पास ये फाइव बाई फोर आ गया प्लस नाइन नाइन को टू पाई से मल्टीप्लाई किया प्लस एटीन पाई माइनस सिक्स को टू पाई से मल्टीप्लाई करना है माइनस ट्वेल्व पाई आ जाएगा, और माइनस फाइव बाई फोर को वन से मल्टीप्लाई करना है माइनस फाइव बाई फोर। तो आप देख सकते हैं प्लस फाइव बाई फोर है, ये हमारे पास माइनस फाइव बाई फोर ही कैंसिल आउट हो गया। उसके बाद ये प्लस एटीन पाई माइनस ट्वेल्व पाई इनको आपने सोल्व करना है, तो प्लस एटीन पाई माइनस ट्वेल्व पाई हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर्स प्लस सिक्स पाई हो जाएगा। ये हमारे पास क्लोज इंटीग्रल एट सी ए वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर का रिक्वायर्ड सॉल्यूशन फाइंड आउट हो चुका है, यानी कि क्लोज इंटीग्रल एट सी ए वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर इज इक्वल टू सिक्स पाई, हेंस व्हिच इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन फॉर क्लोज इंटीग्रल एज अ एलिप्स फॉर्म। तो होपफुली आर डियर स्टूडेंट्स आज के लेक्चर को सभी स्टूडेंट ने अच्छे अंदाज में समझ लिया होगा। अगर फिर भी किसी स्टूडेंट को किसी स्टेप में लाइन इंटीग्रल को अंडरस्टैंड करने में कोई प्रॉब्लम पेश आई हुई हो, लिमिट्स समझ में ना आई हो, तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं, इंशाल्लाह हर लिहाज से कम्प्लीटली गाइडलाइन दी जाएगी और अच्छे अंदाज में आपको समझाया जाएगा। तो ख्याल रखिएगा आर डियर स्टूडेंट्स, दुआओं में याद रखना,
अल्लाह हाफिज़ एंड स्टे ब्लेस्ड।